नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई दुबई से रिलेटेड। दुबई में बिक रही है धड़ल्ले से टिकटों में धोखाधड़ी का मामला आ रहा है। जी हाँ, टिकटों में धोखाधड़ी कैसे होती है? 1 साल की सजा, 1.5 लाख दुबई दराम का जुर्माना लगाया है। आरोपी ने जुर्माना स्वीकार कर लिया। जी हाँ, पूरी डिटेल से बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो कर लें ताकि आपको रोजाना दुबई से रिलेटेड अच्छी अच्छी न्यूज अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं साथियों। दुबई का मैटर है, बता दूं, एक कर्मचारी, जी हाँ साथियों, दुबई एयरलाइन में एक कर्मचारी था जो संयोग से इंडियन नहीं था। मेरे लिए अच्छी बात यह कि भाई इंडियन नहीं होना चाहिए, गलत कामों में इंडियन नहीं होना चाहिए। बाकी अलग, वो उसकी कंट्री का है तो वो उसका मसला है, कम से कम हमें तो बदनामी का दाग नहीं लगे ना। आप जो देख रहे हो आपके ऊपर भी ये बात लागू होती है। इंडियन आदमी का मतलब आपका साथी, आपका भाई, अब वो गलत तो आप अपने अपने गलत हो जाओगे। आप सीरियाई बंदा था, दुबई एयरलाइन कंपनी में काफ़ी टाइम से काम कर रहा था। 1 साल से वो बंदा चीटिंग कर रहा था। अब चीटिंग किस तरह से होती है मैं बता दूं आपको। वो क्या करता, ऑनलाइन टिकटों में टिकटें बढ़ा के कांट छांट करके, जैसे टिकट आ रही है 1000 दराम की तो वो कांट छांट करके उसको 1100 दराम कर देता। इस तरह से वो चीटिंग कर रहा था। या फिर मान लीजिए काफ़ी सारे लोग होते हैं जैसे महीने में 1 लाख टिकटें बिकी हैं सपोज करो, तो उसमें से 5% 2% लोग रिटर्न होते हैं कि भाई हमारी फ्लाइट कैंसिल हो गई, हम नहीं जा सकते, हमें काम वगैरह वगैरह, आपको पता है, टिकट कैंसिल करवा के पैसा रिटर्न लेना। उस पर वो आदमी भारी जुर्माना लगा देता था। जैसे कटता है 10%, वो 13-14-15% काट के भारी जुर्माने साथ पैसा रिटर्न करता था। इस तरह से उसने लगभग 1,60,000 दुबई दराम का घोटाला किया 1 साल के दौरान। संयोग बस ये रहा कि वहीं का एक कर्मचारी जो उसको घोटाला करते हुए देख लिया था, जी हाँ, उसकी शिकायत की, पुलिस ने केस दर्ज किया, पकड़ा तो उसको कुटाकाटी करी। आप समझ सकते हैं, पिछवाड़े में कूटते हैं तो सब उगल देते हैं भाई, कूटना शब्द राजस्थानी में बोलते हैं, पिछवाड़े में मार पड़ना, आप समझ सकते हैं। तो उसने अपने अपराध कबूल कर लिए, उसने बोला जी हाँ मैंने ऐसे ऐसे घोटाला किया है, इतने पैसे हैं, मैं पैसे वापस करने के लिए तैयार हूँ, एयरलाइंस में कंपनी मुझे जॉब लगा लें, ऐसी ऐसी बेवकूफ़ी शर्तें रखी। जो आदमी जिस आदमी के साथ चीटिंग कर लेता है फिर वो ऐसा होता है क्या, कभी नहीं होता ना। तो भाई उसके ऊपर केस चला के बता दूं, दुबई की जो न्यायालय है, जो कोर्ट है, उसको 1 साल की सजा सुना दी। चोरी की गई रकम 1,62,000 दुबई दराम वापस करने का उसको आदेश दे दिया। 11,50,000 का जुर्माना ठोक दिया। जी हाँ साथी, इस बंदे पे क्या इतनी इसकी औकात है? जो आदमी मजदूरी करने वाला, 1,50,000 उसकी सैलरी होगी, क्या वो इतना पैसा चुका देगा? 11,50,000 तो दराम ये हो गए, 1,50,000 हो, यानी आप मोटा मोटी मान लीजिए 13 लाख दराम, दुबई दराम चुका देगा, वो कितना पैसा बनता है? मतलब वो बंदा जेल में ही रहना पड़ेगा। 1 साल की सजा तब उसकी क्लियर होगी जब वो जुर्माना भर देगा। अगर जुर्माना नहीं भरेगा तो ये सजा ऑटोमेटिक उसके गुणात्मक में चली जाती है, 5 साल 10 साल 15 साल, वो उसके न्यायालय पे कोर्ट पे डिपेंड करता है उसकी कितने टाइम तक उसको रखते हैं। तो ऐसा घोटाला भैया हो रहा है, तो थोड़ा सा इस वीडियो का मतलब यही है, टिकट बना रहे हैं थोड़ा सा देख लें। हालांकि ऐसा होता नहीं है, अनुमान ऐसा नहीं देखा हमने ऐसा हो रहा है, लेकिन कुछ एक लोग ऐसा कर लेते हैं। लेकिन बस न्यूज़ थी आप लोगों के साथ शेयर करनी थी साथियों कि ऐसा हो रहा है भैया, आप भी थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि अगर जानकारी नॉलेज में आती है तो ही तो हम सतर्क रह सकेंगे ना इससे। बस ये जानकारी थी, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।